स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीआईएमबी यूट्यूब चैनल। हम लोग एमबी की स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी कर रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन का सब्जेक्ट है आपका इंटरनेशनल बिजनेस में, ठीक है। इसकी तीन क्लासेस हम लास्ट प्रीवियस ले चुके हैं, तीन क्लासेस इसकी, ठीक है। अब आज हमारी फोर्थ क्लास है, ठीक है, फोर्थ लेक्चर है। उसमें हम लोगों ने एक्सपोर्ट की मीनिंग्स है ना, एक्सपोर्ट की क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स है, किस तरह से आप लोग उसके डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल करेंगे या क्या क्या चीजें होंगी, वो सब चीजें पढ़ी थी, ठीक है। आज हम एक्सपोर्ट पोस्टिंग एंड प्राइसिंग पर फोकस करेंगे। एक्सपोर्ट पोस्टिंग एंड प्राइसिंग में हम लोग क्या फिक्स करेंगे, क्या स्टडी करेंगे कि एक्सपोर्ट में कितनी कॉस्ट, हम लोगों को किस तरह से कॉस्ट फिक्स करनी है, किस तरह से अपने प्राइसेस रखने हैं, कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वहां का कस्टमर एकदम से आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट ही ना कर पाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना एक्सेप्ट करे आपके प्रोडक्ट को कि आपका बाद में सुपीरियर क्वालिटी आती है, किसी और कस्टमर उसकी सेलर की सुपीरियर क्वालिटी आती है, आपका प्रोडक्ट एकदम से डाउन हो जाए, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग ध्यान में रखेंगे। प्राइसिंग आपकी इस तरह की होनी चाहिए कि आपको ज्यादा लॉस भी हो, लॉस तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक टाइम पर आकर अगर इस तरह की चीजें होगी तो वो कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्टीज देती है ना। तो आइए पढ़ते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें आपकी, ठीक है। कॉस्टिंग हमारा ये भी है कि कॉस्टिंग हम कॉस्टिंग या प्राइसिंग हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो कॉस्टिंग में आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, जॉब इन बैच कॉस्टिंग हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग होता है, आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग होता है ना, जो हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट अपना डिफाइन करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो बस यही सब चीजें थोड़ी सी पढ़ाई जाएगी इस वाले चैप्टर में आपकी, ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, देखते हैं। दैट इज फॉर एक्सपोर्ट कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग। एक्सपोर्ट कॉस्टिंग कैन बी डिटरमाइन द फॉलोइंग फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर होते हैं कॉस्टिंग को डिटरमाइन करने के लिए? रेंज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफर, ऑब्वियस है, रेंज होती है आपकी, रेंज क्या होता है, रेंज इज प्राइसिंग का, और लोअर टू ऑफर, अपर टू लोअर, रेंज भी होती है आपकी। फ्रॉम डिलीवरीज एंड कॉर्डिनेटेड इन सप्लाई, सप्लाई के लिए हमें डिलीवरी एंड कॉर्डिनेटेड चाहिए होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है आज हम सप्लाई दे पा रहे हैं और चार दिन बाद का ऑर्डर हमसे फुलफिल ही नहीं होगा, ठीक है। तो एक प्रॉम्प्ट होना चाहिए आपका डिलीवरी एंड कॉर्डिनेटेड वो सप्लाई। आफ्टर सेल सर्विस इन प्रोडक्ट्स लाइक मशीन टूल्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल। आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज मैंने आप लोगों को बताई थी, क्या बताया था मैंने आफ्टर सेल सर्विसेज में, कि सेल करने के बाद जो सर्विसेज दी जाती है, ठीक है। अगर आप एक टीवी परचेज करने जाते हैं तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसे कि वो इंस्टॉलेशन आपको दे के जाए, घर आए और आपकी दीवार में एलसीडी एलईडी फिट करके जाए, ये हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं। या फिर डिलीवरी आपको शॉप से आपके होम तक पहुंचाई जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी किस पे डिपेंड करती है, कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग पे, ठीक है। कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग को फिक्स करने के लिए भी डिपेंड करती है ना। और अगर आप लोग ऐसा है, आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं अदर कंट्रीज में, वहां आपको किसी के घर जाना पड़े है ना, तो चीजें टफ हो जाती है। या फिर अपना एक डीलर, अपना एक आप कह सकते हैं मैकेनिक वहां बिठाए जहां से आप डील कर रहे हैं, है ना, जिससे कि कस्टमर को कोई दिक्कत हो तो, लेकिन उसका रहने का खर्चा, उसका वीजा, पासपोर्ट, सबका खर्चा वो आपका कहाँ ऐड होगा, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में ऐड होगा, प्रोडक्ट कॉस्टिंग में ऐड होगा ना, ठीक है। तो ये सब चीजें भी हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती है। तो इसलिए मेरे को लगता है अच्छा होगा अगर हम लोग ऐसी चीज में एक्सपोर्ट कर रहे हो, ऐसी चीज में गुड्स में डील कर रहे हो जिसका हमें आफ्टर सेल सर्विस देनी पड़े, ठीक है। हाँ ये है कि आप लोगों को गारंटी वारंटी पीरियड हो, आप लोग चेंज कर सके, ठीक है। जितना भी सामान होगा वहां जो एक्स्ट्रा गया होगा, जो भी सेल गया होगा वहां से चेंज हो सकता है ना, वो जितना भी डिफेक्टिव होगा वो आपको वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक एक चीज हर बार वो बदल रहा है, जैसे हम दुकान पे गए और बदल रहा है, दुकान पे गए और बदल रहा है, ये टाइम इज ऑफ पॉसिबल, ठीक है, इन अदर कंट्रीज, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड ब्रांड इमेज। प्रोडक्ट का आपका डिफरेंशिएशन ब्रांड इमेज को फिक्स कर दिया है, फ्रीक्वेंसी परचेज फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया, कितना फ्रीक्वेंटली आपका आपके गुड्स परचेज किए जा रहे हैं, कितने नहीं किए जा रहे हैं। प्रिज्यूम रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटी एंड प्राइस, प्रिज्यूम रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वालिटी एंड प्राइस, प्राइस और क्वालिटी के बीच में एक रिलेशनशिप आपका डिफाइन किया जाता है। स्पेशलिटी गोल्ड वैल्यू गोल्ड एंड गिफ्ट आइटम्स, ठीक है। स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी वैल्यू गुड्स होनी चाहिए और गिफ्ट आइटम होने चाहिए। क्रेडिट ऑफर जितना आप उधार दे पा
प्रॉम्प्ट एक्सेप्टेंस एंड सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, अगर एक्सेप्टेंस जल्दी जल्दी आपका वो एक्सेप्ट हो रहा है और क्लेम सेटलमेंट हो रहा है तो आपको वो कब पोस्ट क्लियर करनी पड़ेगी, कंपेयर करनी पड़ेगी ना। यूनिक वैल्यू ऑफ गुड्स एंड गिफ्ट आइटम्स, गुड्स यूनिक आपके गुड्स की यूनिक वैल्यू हो है ना, या फिर आप यूनिक गुड गिफ्ट दे रहे हो उसके साथ, ठीक है, आप वाउचर्स गिफ्ट वाउचर उनको अवेलेबल करा रहे हो तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बिकेगा मार्केट में, जल्दी जल्दी बिकेगा ना, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी ना। तो देखिए ये कह रहा है प्राइस, सॉरी प्राइस fixed for the export products or services which the exporter intends to sell in the overseas market is called export pricing. Export price of a given product is determined by manufacturer. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसको डिटरमाइन करने के लिए, देर आर अ नंबर ऑफ मैथड्स, कितने सारे मैथड्स है मैंने आप लोगों को अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले ही डिस्कस किए हैं कुछ मैथड। दीज मैथड्स आर डिवाइडेड इन टू थ्री ग्रुप्स, थ्री ग्रुप्स में ये मैथड आपके डिवाइड होते हैं, द वन जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, द अदर वन इज प्रोसेस कॉस्टिंग एंड द थर्ड वन इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्टिंग की अप्रोच भी आप लोग एक्सपोर्ट प्राइसिंग पे या फिर कॉस्टिंग पे, एक्सपोर्ट कॉस्टिंग पे अप्लाई कर सकते हैं, पढ़े होंगे ना सब चीजें आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में। चलिए ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसिंग, अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव है एक्सपोर्ट प्राइसिंग के, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो एक्सपोर्ट प्राइसिंग एक टेक्निक है आपके गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को फिक्स करने के लिए, ठीक है। सोल्ड एक्सपोर्ट प्राइसिंग इज मच मोर डिफिकल्ट देन डोमेस्टिक प्राइसिंग, एक्सपोर्ट की जो प्राइसिंग है वो डोमेस्टिक प्राइसिंग से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है, कि बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो आपको एक्सपोर्ट करने के लिए अननेसेसरी क्लियर करने पड़ते हैं, है ना, आपके डॉक्यूमेंटेशन की प्राइसिंग है, ठीक है, या फिर आपके मीडिएटर्स हैं उनको जितनी भी परसेंट की आप कमीशन वगैरह देते हैं, ठीक है, आपके जितने भी सेलर्स हैं उनकी कमीशन भी ज्यादा हो जाती है अगर आप लोग एक्सपोर्ट में डील कर रहे हैं तो, क्योंकि उन्हें पता है कि इंटरनेशनली प्रोडक्ट आपका सोल्ड हो रहा है तो वैसे आपको प्रॉफिट हायर हो ही रहे होंगे, है ना, तो वो लोग भी हमसे डिमांड ज्यादा करते हैं। तो बहुत सारी चीजें, एक मीडिएटर एक ऐसा आपको लगाना पड़ेगा जो उनकी भी लैंग्वेज समझे, आपकी भी समझे और फिर इसको कन्वर्ट करे, है ना। अगर हम यूएसए की बात करें तो इंग्लिश इज वेरी बेसिक लैंग्वेज, तो ये सब इंग्लिश तो मैनेज हो जाती है लोगों से, है ना, बट अगर हम चाइना में डील कर रहे हैं, जापान जापान में डील कर रहे हैं, जर्मनी में डील कर रहे हैं, तो फिर ये वाली लैंग्वेज भी समझने के लिए भी हमें एक मीडिएटर रखना पड़ता है। तो बहुत सारी कॉस्ट ऐसी होती है जो आपको अननेसेसरीली बियर करनी पड़ती ही है एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि एक्सपोर्ट की जो प्राइसिंग है वो आपकी डोमेस्टिक प्राइसिंग से बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, टफ या फिर डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। Because the exporter has to take into account not only the cost of production but also influence and impact of condition prevailing in the international market. ठीक है, तो ये कह रहा है कि डोमेस्टिक प्राइसिंग और वो क्यों डिफिकल्ट हो जाती है आपकी, क्योंकि मार्केट की जितनी भी इन्फ्लुएंस होती है या फिर जो चेंजिंग कंडीशन होती है ना, आपके चेंजिंग इंटरनेशनल मार्केट में जितनी भी टैक्स वगैरह वहां पर बढ़ गया या कुछ भी है, तो बहुत सारे उनके अकॉर्डिंग में आप लोगों को कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है और अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग भी बेयर करनी पड़ती है ना। देन देयरफॉर एक्सपोर्ट प्राइसिंग इज नॉट जस्ट अर्थमेटिक कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, बट एक प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन भी है जो बेस्ड ऑन मार्केट सिचुएशन पे बेस करता है। सक्सेस ऑफ एन एक्सपोर्ट फर्म लार्जली डिपेंड्स ऑन इट्स इफेक्टिव प्राइसिंग पॉलिसीज, एक्सपोर्ट फर्म की सक्सेस आपकी कहाँ डिपेंड करती है, इफेक्टिव प्राइसिंग पॉलिसी पर आपकी ये सक्सेस क्या होती है डिपेंड करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसिंग आर एज फॉलोस, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है आपके एक्सपोर्ट प्राइसिंग का, द वन इज सर्वाइवल, ठीक है। एक्सपोर्टर फेसेस कॉम्पिटिशन नॉट ऑनली फ्रॉम हिज फेलो एक्सपोर्टर बट ऑल्सो फ्रॉम अदर कंट्री एक्सपोर्टर, फेलो एक्सपोर्टर से भी कॉम्पिटिशन निकलता है, जो आपके अदर कंट्री एक्सपोर्टर होते हैं उनसे भी आपको कॉम्पिटिशन मिलता है, और कंट्री की तो उन्हें सप्लाई करनी होगी, जरूरी थोड़ी है कि इंडिया ही सप्लाई कर रहा है कोई चीज अदर कंट्रीज में, ठीक है, हर जो आपकी ईच कंट्री क्या कर रही है, आपकी क्या कर रही है, इंटरनेशनल बिजनेस में डील कर रही है, ठीक है, तो वो लोग भी तो आपको कॉम्पिटिशन स्टैंडर्ड होते हैं।
कॉम्पिटिशन आपके लिए वो कर रहे होंगे, प्रिपेयर कर रहे होंगे. इन मच कॉम्पिटेटिव मार्केट वन ऑफ द मार्केटिंग टूल विच कैन मेक द एक्सपोर्टर सर्वाइव द कॉम्पिटिशन इज प्राइसिंग. ठीक है, कॉम्पिटिशन को जो आपके कॉम्पिटिशन को सर्वाइव करा सकता है वो क्या है, मोस्ट कॉमन फैक्टर उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, प्राइसिंग. Making price competitive, thereby earning less profit in order to survive. Making price competitive, thereby earning less profit in order to survive could be one of the objective of pricing. Keeping price competitive and maintaining low in short term objective. देखिए कह रहा है कि अगर आप लोग आज survive कर जाते हैं बहुत ही कम profit के साथ, ठीक है, अगर आप बहुत ही कम प्रॉफिट के साथ आज सर्वाइव कर रहे हैं तो क्या होगा, कल हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट डाउन हो जाए, हो सकता है ना, या फिर बहुत ज्यादा हायर आपकी सेल्स हो जाए. लेकिन अगर आप लोग बहुत हाई प्रॉफिट के साथ डाउन कर रहे हैं और कॉम्पिटिटर एक ऐसा आपका खड़ा हो गया आपके साथ कि उसने बहुत ही कम प्राइसेस कर दिए, तब भी आपका प्रोडक्ट डाउन हो जाए, तो जितना हाई प्रॉफिट रखोगे वहां भी आपके डेंजर ज्यादा है, और जितना कम प्रॉफिट रखोगे वहां भी आपके प्रोडक्ट को डेंजर ज्यादा है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम सेल ग्रोथ. मैक्सिमम सेल ग्रोथ एंड एज एन एक्सपोर्टर सर्वाइव द कॉम्पिटिशन द ऑब्जेक्टिव शिफ्ट टू हैविंग मैक्सिमम सेल ग्रोथ डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पिटिशन एंड सेंसिटिविटी ऑफ मार्केट टू प्राइस द फाइनल प्राइसिंग नीड्स टू बी टेकन. देयर आर क्या, या तो लोअर प्राइस पे आप डील करें, लोअर आपके प्रॉफिट पे डील करें, या फिर हायर प्रॉफिट पे डील करें. ठीक है, अगर आप लोअर प्राइसेस पे डील कर रहे हैं तो सोचिए क्या होगा, अगर आप लोअर प्राइसेस पे डील कर रहे हैं तो बेटा होगा ये कि आपकी सेल बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना. अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है, और फिर सेल भी आपकी क्या होती है, बढ़ जाती है. सेल तो बढ़ेगी बढ़ेगी प्रोडक्ट की, जहां सेल बढ़ेगी वहां प्रॉफिट तो अपने आप हायर हो जाएंगे ना. तो एक तो लोअर प्राइस में ये पॉलिसी चलती है आपकी. अगर मैं हायर प्राइस की बात करूं तो हायर प्राइस में आपकी कौन सी वाली पॉलिसी चलती है. हायर प्राइस में बेटा ये होता है कि एक प्रेडिक्शन कंज्यूमर के माइंड में ये भी आ सकती है कि इतने हायर प्राइसेस हैं, हो सकता है क्वालिटी बहुत ही बेटर हो, बहुत ही मतलब बेस्ट क्वालिटी आप लोगों को दे रहे हो. ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं इसे. सेटिंग लोअर प्राइसेस टू ओवरसीज बायर लीड टू हायर सेल वॉल्यूम. लोअर प्राइसेस सेल वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाता है, अर्निंग मोर प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट आप लोग अर्न कर पाते हैं. फॉर दिस पर्पस मार्केटेड शुड बी हाईली प्राइस सेंसिटिव, सच लो प्राइसेस डिस्करेज कॉम्पिटिशन. इतना लो प्राइस होगा तो कॉम्पिटिशन भी कम हो जाएगा, कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा तो सेल आपकी बढ़ जाएगी, है ना. चलिए नेक्स्ट देते हैं सेटिंग हायर प्राइसेस. जब हायर प्राइस होगा तो दैट इंडिकेट द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. तो हायर प्राइस होना एक क्या इंडिकेट करता है कंज्यूमर को कि जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या है, सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है. सच इंडिकेशन लीड कंज्यूमर टू रेट प्रोडक्ट हायर कंपेयर टू दैट ऑफ कॉम्पिटिटर. तो ये क्या इंडिकेट करता है कि आपका प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो क्या है, हायर. ठीक है, तो इस वाली परसेप्शन से भी क्या होता है, आपका सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. जहां सेल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ प्रॉफिट तो अपने आप इंक्रीज हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम करंट प्रॉफिट. तो ये वाली कंडीशन जो मैक्सिमम करंट प्रॉफिट वाली कंडीशन है, ये आपकी सबसे ज्यादा डेंजरस कंडीशन है. ठीक है, अगर आप करंट में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो आप ये लगा लीजिए कि एक टाइम पर आपको आकर आपको एकदम से नीचे डाउन होना है. ठीक है, तो इसलिए जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो एक लोअर हम लोग अगर उससे स्टार्ट करेंगे, अपना प्राइसिंग से स्टार्ट करेंगे, लोअर प्रॉफिट फॉलोइंग से स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, जब हमारा धीरे धीरे हमने स्टार्ट करा लोअर प्रॉफिट से, थोड़े दिन हमारा मतलब हमारा क्या हुआ, हमारे ये प्रोडक्ट की इमेज बढ़ती चली गई, कस्टमर के माइंड में सेल बढ़ती चली गई हमारी धीरे धीरे, फिर हम धीरे धीरे प्राइसिंग बढ़ाते शुरू कर देंगे, है ना. तो ये ज्यादा बेटर होगा जब हमारा प्रोडक्ट एक बार मार्केट में स्टैंड हो जाए इंटरनेशनल मार्केट में, फिर आप धीरे धीरे प्राइस बढ़ा लो. ठीक है, तो एकदम से मैक्सिमम जो करंट प्रॉफिट होता है वो आपकी डेंजरस कंडीशन होती है. पढ़ लीजिए ना, इसलिए आपका कुछ टॉप नहीं लिखा है मैंने. नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग लीडरशिप.
वो कंसेंट लेने लगते हैं, है ना, आपसे पूछताछ शुरू करते हैं कि हम कैसे करें, हम क्या करें, तो आपकी प्रोडक्ट की एक इमेज बन चुकी होती है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर दिमाग में यही होता है और इसके अलावा तो हम स्टैंड कर नहीं सकते। ठीक है, तो अच्छी प्राइसिंग पॉलिसी आपके किसको भी इनहांस करती है, लीडरशिप को। ठीक है, आपके प्रोडक्ट को, आपके प्रोडक्ट को एक पोजिशन दिलाने में भी क्या एक बेटर जो प्राइसिंग पॉलिसी होगी तो आपका प्रोडक्ट ऑब्वियस है कि अच्छा ही होगा, है ना। इंटरनेशनल बिजनेस आपका इंक्रीज ही इंक्रीज ही इंक्रीज होगा। ठीक है, पढ़ लीजिए। अदर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द प्राइसिंग इज एस्टैब्लिशिंग नॉट ओनली द सुपीरियर क्वालिटी इमेज बट ऑल्सो एम्फेसिस ऑन लीडरशिप नंबर ऑफ वन और नंबर वन पोजिशन इन द एक्सपोर्ट मार्केट बाई चार्जिंग हायर प्राइस मेकिंग अ नोटिसेबल डिफरेंस इन द प्राइस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कॉम्पिटिटर द ऑब्जेक्ट कैन बी फुलफिल्ड। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या है प्राइसिंग पॉलिसी के, क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं। एक तो प्राइसिंग पॉलिसी अगर हमारी अच्छी होगी, है ना, राइटली ट्रीटेड होगी तो हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होगा। ठीक है, और देख लीजिए इसी तरह, फर्स्ट है कंज्यूमर्स आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव अबाउट क्वालिटी एंड प्राइस। कंज्यूमर कभी भी कोई चीज लेने जाता है, ठीक है, फर्स्ट उसकी डिमांड वॉन्ट्स और नीड्स तो होती ही है। ठीक है, सेकंड वो देखता क्या है, एक तो आपका प्रोडक्ट का प्राइस और क्वालिटी, है ना। हम लोग अगर देखने जाते हैं तो चीप क्वालिटी सॉरी चीप प्राइस एंड बेटर क्वालिटी की तो डिमांड करते हैं ना हमेशा। ठीक है, तो हर कंज्यूमर यही चाहता है। पढ़िए, कंज्यूमर आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव अबाउट क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इफ द प्राइस इज नॉट कम प्रॉपर्ली सेट सक्सेस इज ऑफ फॉर्म इन इंटरनेशनल मार्केट बिकम डाउटफुल। अगर प्रॉपर्ली सेट नहीं करेंगे तो सक्सेस क्या हो जाएगी, डाउटफुल हो जाएगी। द वॉल्यूम ऑफ सेल एंड मार्केट डिपेंड्स ऑन प्राइसिंग पॉलिसी, सेल एंड मार्केट सेल का वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, आपका प्राइसिंग पॉलिसी पे। कॉम्पिटेटिव कैपेसिटी इन फॉरेन मार्केट डिपेंड्स ऑन प्राइस फिक्स, इट डिसाइडेड द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एक्सपोर्ट एफर्ट्स ऑफ एज सॉरी एक्सपोर्ट प्राइसिंग ग्रेट गुडविल इन द मार्केट। एक्सपोर्ट प्राइसिंग क्या करता है, गुडविल आपकी बिल्डअप करता है। एक्सपोर्ट प्राइसिंग हेल्प इन कैप्चरिंग द फॉरेन मार्केट को कैप्चर करने में आपकी हेल्प करता है। डेवलप ब्रांड इमेज को डेवलप करने और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में भी आपकी हेल्प कौन करता है, प्राइसिंग करती है। प्राइसिंग हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ मार्केट कीपिंग देम लो इनिशियली एंड ग्रेजुअली रेजिंग अप। प्राइसिंग आप कैसे मार्केट में स्टैंड करने के लिए कैसे आपको प्राइसिंग हेल्प करती है कि इनिशियली तो आप उसे लो रखिए जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ग्रेजुअली उसको राइज अप करते रहे। ठीक है, use your headphones for sound clearance.